भोपाल में प्रदर्शनकारी बेरोजगार युवाओं पर की गई एफआईआर रद्द करने की मांग और सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती कराने की मांग को लेकर गुना जिले के कुमराज तहसील में दिया ज्ञापन। कुमराज से साहिल अली खान की रिपोर्ट। बताए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल मीना है जी। बताए किस संबंध में आज ज्ञापन दे रहे हैं? ज्ञापन आज हमने कल जो भोपाल में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया था उस पर लाठीचार्ज हुआ है, उस लाठीचार्ज का विरोध करने के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया है कि छात्र यदि युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की बात सरकार को सुननी चाहिए। तो वो एक बात सुनाने गए थे तो उन पर इस तरह का जो अमानवीय व्यवहार हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। वहाँ पर भोपाल में जो हुआ उसको लेकर कि उन पर जो एफआईआर रद्द की गई है कई छात्रों छात्राओं पर, वो रद्द की जाए। और दूसरा हम एक चीज़ और मांग कर रहे थे सभी युवा साथियों की तरफ से कि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना का भी एक संकट चल रहा है लेकिन साथ ही साथ पिछले 3 साल से कोई भी सरकार ने भर्ती नहीं निकाली है, नई जो नौकरियां जो लंबित पड़ी थी उनको भी फिल नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो 15 महीने या अभी बीजेपी गवर्नमेंट रही हो। तो उस स्थिति में जो लगातार छात्र बेरोजगार हो रहे हैं, कई नए छात्र भी रोजगार की मांग करने लगे हैं, कई 12th पास करके जाते हैं तो वो भी रोजगार उनको चाहिए क्योंकि परिवार का भरण पोषण भी करना पड़ता है। तो उस एवज में नई भर्तियां जल्द से जल्द निकाली जाएं। पुलिस भर्ती, पुलिस का एग्जाम हो चुका था लेकिन अभी पुलिस को पद नहीं, वैकेंसी अलॉट नहीं की गई है। तो हमारी ये मांग है कि पुलिस भर्ती भी जल्द से जल्द की जाए, साथ ही पटवारी या जो शिक्षक की जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी अभी तक अलॉटमेंट लेटर उनको जारी नहीं किए हैं। ऐसी कई और नौकरियां अभी आने वाली थी, एमकेपीसी जो जिसके फॉर्म छात्रों से डलवा लिए थे उसका एग्ज़ाम भी डेट उन्हें नहीं दी, उस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया ताकि बेरोजगार छात्रों की तरफ भी सरकार ध्यान आकर्षित करें और उन्हें उनकी मांगों को सुने। कम से कम अगर कोई ज्ञापन देने आए, कोई मांग करने आए तो सुनना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। उस मांग को लेकर हमने आज प्रदर्शन यहाँ पे किया था।